हाँ जी जड़ियों, क्या स्टोरी है, दोबारा आ गया हम। मैं वापस आई गया। अच्छा सर जी, ये डहेट्सु कोरे और ये 2010 2010 का मॉडल है। 800 सीसी गाड़ी है ये। इसमें दो वेरिएंट आए थे, एक मैनुअल था और एक ऑटोमेटिक था। ये वाला जो हम गाड़ी इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। सिर्फ इसका गियर ही ऑटोमेटिक है, बाकी तमाम मैनुअल आप देख रहे होंगे। इसमें जो इसके साइड मिरर मैनुअल हैं, और इसके अंदर ABS भी नहीं है, इसके अंदर एयर बैग्स भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है एंड दैट्स इट। वो पिछला शीशा कहते हैं, वो भी उसमें भी डिफॉगर नहीं आता। ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है। लोगों को अक्सर औकात ये इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि ये गाड़ी 1000 CC है। नहीं, ये गाड़ी 800 CC आती है। ड्राइव के लिहाज से कम्फर्टेबल गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, मनूवरिंग इसमें बड़ी आसान है, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो स्मॉल एरिया, जैसे कि अगर आप अंदरून शहर जाएं, किसी भी हमारे पाकिस्तान में अंदरून शहर में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये गाड़ी जो है वो बड़ा इजीली आप इसको कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं। लेफ्ट AC इसका बड़ा अच्छा है, और बाकी रहा कि सस्पेंशन इसकी थोड़ी स्टिफ है मुझे लगती है। बात करें तो ये गाड़ी जो है वो तकरीबन आती है 8.5 से 10-11 की रेंज में आ जाती है ये गाड़ी। और ऑटोमेटिक जो गाड़ी है वो 9 से स्टार्ट होकर 13 लाख तक जाती है। मीटर इसका बड़ा सादा सा है, दरम्यान में स्पीडोमीटर है। राइट साइड पे आपका फ्यूल गेज आ रही है और लेफ्ट साइड पे आपकी टेम्परेचर गेज आ रही है। और इसके अलावा ये गाड़ी जब पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी, तो ये गाड़ी इसके अंदर फैक्ट्री फिटेड CNG आती थी, अभी भी आती है। और इसके अलावा इस गाड़ी में जो खास बात है वो ये है कि कुछ भी नहीं, खास बात नहीं है, आम सी गाड़ी है। तो एवरेज के लिहाज से ये गाड़ी आपको देती है आराम से तकरीबन 13-13.5 की एवरेज देती है, इससे ऊपर ये जाती नहीं है। इसमें कोई एडिड फीचर नहीं है इस गाड़ी के अंदर, एक साइड पॉकेट नहीं है, एक ग्लव बॉक्स लगा हुआ है ये, ठीक है। इसके अलावा मतलब एक्स्ट्रा अगर आपके पास लगेज है या चीज़ें हैं वो रखने के लिए, डैशबोर्ड में एटलीस्ट स्पेस नहीं है, कोई कप होल्डर्स नहीं है, कोई आपके पास कॉइन होल्डर नहीं है, कोई आपके पास मैं कहता हूँ कि दरवाज़ों में वो साइड पॉकेट्स होती हैं वो नहीं है। हालांकि इसके साथ की जो इस 2009-10 में गाड़ियाँ आती रहती हैं, कल्टस आई है और जापनीज गाड़ियाँ बहुत सारी आई हैं, पाकिस्तानी गाड़ियाँ बहुत सारी आई हैं, उस लिहाज से इस गाड़ी के अंदर वो छोटे 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 फीचर्स होने चाहिए थे, वो डैट्सू ने शायद ये सोच के नहीं रखे कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहीं कंफर्टेबल ना हो जाए इसके साथ। हाँ जी जड़ियो, क्या स्टोरी है। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, वो है टोयोटा बेल्टा, इट्स अ जापानीज मॉडल। ये गाड़ी 13 CC में आती है, 1000 CC में आती है, जो भी हम ड्राइव कर रहे हैं इसका ये वेरिएंट 1.3 यानी 13 CC है। ये गाड़ी जो है वो आपको एवरेज जो देती है, जिसका हमारा मेन कंसर्न होता है, एवरेज आपको देती है तकरीबन 1314 इन सिटी विद AC, और लॉन्ग बेस की एवरेज बहुत अच्छी है। ट्रांसमिशन इसकी CVT है। अब CVT क्या होता है, CVT कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन तो होता ही होता है, वो CVT काम कैसे करता है। CVT में आम आवाम के लिए ये फ़र्क है, CVT जो होता है वो उसमें आपको गियर शिफ्टिंग का झटका फील नहीं होता। लाइक में 3-4 मोड्स हैं जैसे कि हमारे इसके ऊपर लिखे हुए हैं। अब इसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, अब ये ड्राइव है और उसके साथ स्पोर्ट्स है। गाड़ी जो है वो आपको तकरीबन 22 से 25 लाख के दरमियान आराम से मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये फुली इक्विप्ड होने के साथ साथ इस गाड़ी के तमाम जो पार्ट्स हैं वो रेडीली अवेलेबल हैं। इसको आप वैसे अगर आप इसकी शेप देखें, जो कि आपको आउटर लुक में उसकी नज़र भी आएगा, इसकी अगर आप शेप देखें तो ये 2005-06 मॉडल की जो विड्थ थी ना आपकी 1000 CC, उसका हैचबैक वेरिएंट लगता है, जो कि है भी ये। बूट स्पेस की बहुत अच्छी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। क्लियरेंस इस गाड़ी की थोड़ी सी कम है, क्योंकि गाड़ी जो है वो आम लोगों का ये शिकायत होती है कि गाड़ी लगती है, लेकिन मैं जिस गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ ये इस गाड़ी के अंदर थोड़े से 15 इंच के अलॉय रिम्स लगे हुए, तो ये गाड़ी थोड़ी सी नॉर्मल से ऊपर है, तो हम जंप्स वगैरह में जब इसको गुजारते हैं तो इतना फील नहीं होता। जापानीज गाड़ियों की जो लेग रूम होता है वो बड़ा अच्छा होता है। अब मेरी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 5 feet और 9 inches है, और ये जिस पोस्चर में मैं बैठा हूँ दैट इज़ वेरी कम्फर्टेबल। स्टीयरिंग व्हील है वो एडजस्टेबल है, लाइक हाइट एडजस्टमेंट्स में हो सकती है, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है। चारों विंडोज़ जो हैं इसकी पावर हैं, और जो ड्राइविंग साइड वाली ऑटो है विंडो लॉक मौजूद है,
और गाड़ी का जो लॉक अनलॉक का जो बटन वो भी मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो है राइट साइड पे इसकी आती हैं हेडलाइट एडजस्टर लैंप्स आते हैं, और जो है वो इसके अलावा साइड मिरर्स पावर हैं और उनकी एडजस्टमेंट भी आती है। वो बैक सीट्स भी जो हैं वो बकेट सीट्स हैं, प्रॉपर शेप्ड में शेप्ड हैं, और पीछे भी इनकी मौजूद है, आपके पास सीट बेल्ट्स मौजूद हैं। साइड अगर आपके कमेंट्स हैं कोई, या कोई सवाल हैं या किसी किस्म की क्वेरीज हैं, आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। इससे होता कुछ भी नहीं है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और हमें पता चलता है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ ना, मैं ये बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि ऐसी गाड़ी इस बजट में और इतनी वेल इक्विप्ड गाड़ी आपने कभी भी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये गाड़ी बहुत अंडररेटेड गाड़ी है, अंडररेटेड समझ जाती है। और इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स बताऊंगा, जो चीज़ें बताऊंगा ना, वो मैं कहता हूँ कि हमारी जो आजकल के ज़माने की गाड़ियाँ पाकिस्तानी 40-50 लाख की जो गाड़ियाँ हैं ना, उनके अंदर भी वो फीचर्स शायद ना मौजूद हो। आज हम जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं दैट इज टोयोटा ट्यूक, और ये गाड़ी 1998 में लॉन्च हुई थी और 2005 तक इसके वेरिएंट्स आए हैं। इस गाड़ी में बेसिकली XS और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट आया, लेकिन पाकिस्तान में इसके XS और V वेरिएंट्स आए। 1000cc और 1300cc वेरिएंट्स इसके अंदर दो मौजूद हैं। M100 इंजन इसके अंदर आता है, और ये गाड़ी जो है वो 5-speed मैनुअल और 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आई। ट्रांसमिशन टाइप इसकी ATF है, नॉर्मल कन्वेंशनल गियर आता है इसके अंदर 4 forward, ठीक है। और अगर आप मैनुअल गाड़ी की बात करेंगे तो मैनुअल में 5 forward गियर के साथ भी आई है। तो इंजन ऑयल इसमें डलता है 2.1 liters, और अगर आपका इसके अंदर अगर आप इसका निकाल लेंगे ऑयल फिल्टर भी तो फिर 2.2 liters डलेगा, जो कंपनी रिकमेंडेड है। और अगर आप बात करते हैं इसके ATF ऑयल की, तो ATF ऑयल 1000cc में डलता है 1.7 और 1300cc में डलता है तकरीबन 2 liters। गाड़ी की टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर 37 liters का फ्यूल डलता है। गाड़ी के इंटीरियर की बात करूं तो ये 2-tone इंटीरियर है, ब्लैक प्लस वुडन टच यहाँ पे दिया हुआ है। और इस गाड़ी के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल के साथ साथ AC वेंट्स और है, तो ऊपर एक आपको शेल्फ नजर आएगा और नीचे आपको ग्लव बॉक्स भी मिलता है। अगर इस गाड़ी के फीचर्स की बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर अनगिनत फीचर्स हैं। के अंदर आप देख सकते होंगे कि ड्यूअल SRS एयर बैग्स हैं, उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर ABS है, इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक जो है वो पावर विंडोज हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, सबसे बड़ी बात उस मॉडल के लिहाज से। एक ऐसी डिवाइस इसके ऊपर गाड़ी के ऊपर लगी हुई है जो कि आपका ऑटोमेटिक रेन सेंसर है। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो के अंदर आपको RPM मीटर भी मिलता है, इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर भी मिलता है। राइट साइड पे आपको इसकी फ्यूल गेज मिलेगी और लेफ्ट साइड पे आपको इसका टेम्परेचर गेज मिलती है। और उसके अलावा इसके अंदर जो है वो अगर आप इस गाड़ी को स्टार्ट करें तो इसके अंदर आपको ये यहाँ पे सीट बेल्ट वार्निंग लाइट भी मिलेगी। ठीक है, अगर AC की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लाजवाब। मैं कहता हूँ कि इसकी गाड़ी के AC को ना 10 में से 100 मार्क्स मिलना चाहिए, इतना आला AC है इसका। गाड़ी के अंदर पीछे वाली दोनों साइड्स पे ऐसे सीट बेल्ट भी मौजूद हैं, और गाड़ी के चारों दरवाज़ों में इनके अपने इंडिपेंडेंट स्पीकर्स भी आते हैं। ये वाली नोब अगर आप देखें तो ये जो है ना पेट्रोल टैंक और जो आपकी ट्रंक है उसकी ओपन करने की नोब है, और इस नोब को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका पेट्रोल टैंक का जो कैप है वो ओपन हो जाता है, और उसको आप पुल करते हैं अपनी तरफ तो आपकी गाड़ी की जो ट्रंक है यानी कि डी जो है वो खुल जाएगी। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो इस गाड़ी के पार्ट्स तमामतर पार्ट्स लाइट्स बम्पर्स और एक्सेसरीज वगैरह इजीली अवेलेबल हैं। प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो ये गाड़ी 8 लाख से लेके 11 लाख रुपए तक अवेलेबल है। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है होंडा सिटी, और होंडा सिटी पाकिस्तान में 2009 में लॉन्च हुई थी, और अभी तक ये गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में आ रही है। इसके 3 से 4 फेसलिफ्ट वेरिएंट्स आ चुके हैं, और जिसमें मेजर शिफ्ट होती रही हैं।
और होंडा सिटी का जो ये वेरिएंट है ये है 2017 मॉडल और ये है एस्पायर वेरिएंट। होंडा सिटी पाकिस्तान में 2009 में लॉन्च हुई थी और उस टाइम इसके बेसिकली चार वेरिएंट लॉन्च हुए थे, जिसमें 1.3 मैनुअल, 1.3 ऑटो और इसी तरह 1.5 मैनुअल और 1.5 ऑटो। एस्पायर में आते हैं वो अलॉय रिम्स आते हैं, 15 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं। गाड़ी के जो सीटों की पोशिश है वो लेदराइट में आती है, और इसके अलावा गाड़ी में फॉग लैम्प्स आते हैं, और यहाँ ये जो गाड़ी का स्टीरियो सिस्टम है वो कदरे बेहतर है, विद जो बैक लाइट कैमरे के साथ या बैक रियर व्यू कैमरे के साथ आता है। नॉर्मल सिटी में ये नहीं होता, इवन के जो अब के वेरिएंट्स आ रहे हैं उसमें जो ऑटोमेटिक नॉर्मल सिटी है उसके अंदर भी एलसीडी नहीं आती, नॉर्मल स्टीरियो सिस्टम आता है। कि इस गाड़ी में एक तो एयरबैग होना चाहिए जो इसके अंदर नहीं है, एक भी एयरबैग इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है। इस गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं वो रिट्रैक्टेबल नहीं है। ये कुछ ऐसी वैसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ना मेरे ख्याल से बड़ी कंपनीज को जैसे होंडा टोयोटा है और या सुजुकी है उसको मद्देनजर रखनी चाहिए। तो इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी काफ़ी बल्की से लुक देता है, और इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी स्पोर्टी सा है। ये स्टीयरिंग बेसिकली जो है वो होंडा सिटी और होंडा रिबॉन और जो आपकी है BRV, इन तीनों में तकरीबन ये मोर लेस एक जैसा ही। गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक फोर विंडोज ऑटो है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स इसके अंदर नहीं आते, और यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसके साथ आप गाड़ी की फॉग लैम्प्स ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये फॉग लैम्प्स जो हैं ये आपकी एस्पायर के अंदर आई हैं, ये नॉर्मल सिटी के अंदर नहीं आती। एक साइड पे आपको फ्यूल गेज नज़र आएगी, दरमियान में आपको स्पीडोमीटर नज़र आएगा, और लेफ्ट साइड पे आपको इसका RPM मीटर नज़र आएगा। ये गाड़ी तकरीबन आपको 1 लीटर में देगी 13 से 14 किलोमीटर इन सिटी, और जिस वेरिएंट में हम बैठे हुए हैं ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको देता है मतलब 11 से 12 तक, इसके ऊपर ये नहीं जाता। इस गाड़ी की अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर तकरीबन 40 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, और अगर हम इंजन ऑयल की कैपेसिटी की बात करें तो जो इसमें डलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो डलता है वो ATF डलेगा, ये गाड़ी CVT नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूड डलता है, और 1.3 में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूड डलेगा तकरीबन 1.4 से 1.5 लीटर, और अगर 1.5 स्पायर या 1.5 ऑटो ट्रांसमिशन गाड़ी है आपके पास तो उसमें तकरीबन 2 लीटर ऑयल डलेगा। और अगर अगर हम इसके इंजन ऑयल की बात करें तो 13 CC गाड़ी जो है 1.3 ऑटो मैनुअल या एस्पायर तीनों जो हैं उसके अंदर 3.7 लीटर तक का इंजन ऑयल डलता है। गाड़ी की अगर ड्राइव कंफर्ट की बात की जाए तो ये गाड़ी सीधी रोड्स पे चलाने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। नाम भी इसका सिटी इसीलिए शायद रखा गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सीधी रोड या सिटी कार है बेसिकली, और ये आपको इन सिटी या स्टेट रोड मोटरवेज के ऊपर बड़ी अच्छी ड्राइव कंफर्ट देगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो कप होल्डर्स हैं, साथ एक छोटा सा कंपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे एक ग्लव बॉक्स नज़र आएगा, इसके अलावा राइट साइड पे ड्राइविंग साइड के नीचे अगर आपको देख सकें तो आप यहाँ पे एक छोटा सा कैबिन दिया हुआ है। एल्स इस गाड़ी के अंदर स्टोरेज स्पेसेस, हाँ ये एक आर्म रेस्ट है जो कि भी बिल्कुल आपका लेदराइट में आता है। अब इंटेलिजेंट वाली गाड़ी का मैं इसको क्यों कहता हूँ, और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अक्सर औकात कन्वेंशनली होता ये है कि ये जो आपकी कॉइल्स होती हैं इग्निशन कॉइल जिनको कहते हैं ये इस साइड पे होती हैं, और ये जो आउट एग्जॉस्ट होता है ये हमेशा अंदर वाली साइड पे होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने हर कुछ अरसे बाद गाड़ी की ट्यूनिंग कराने के लिए गाड़ी के प्लग्स खोलने होते हैं और प्लग्स को आपने चेंज करना होता है, लेकिन इस गाड़ी में अनकन्वेंशनली ये चीज़ें जो हैं वो उल्टी लगाई गई हैं, मेरे हिसाब से उल्टी लगाई गई हैं। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं ना वो है पाकिस्तान की हर दिल अजीज टोयोटा करोला एल्टिस 1.6 विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये गाड़ी जो है वो 11th जनरेशन है और ये लॉन्च हुई थी तकरीबन 2015 में, और ये इसका फेस लिफ्ट सबसे पुराना वेरिएंट है। 11th जनरेशन का जो फेस लिफ्ट वेरिएंट आया था उसके अंदर थोड़ी सी माइन्यूट चेंजेस थी, लेकिन ये उसका पुराना वेरिएंट है। 4-speed ट्रांसमिशन के साथ आती है और 1600 CC इनलाइन 4-cylinder 2MZFE इंजन इसके साथ आता है। इस गाड़ी सबसे अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी रीसेल के लिहाज से, ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिहाज से और सस्पेंशन के लिहाज से हर लिहाज से हर कंपनी को मात देती है, और मैं अपनी बाकी वीडियोज में बताता रहता हूँ
जैसे टोयोटा जो है उसका कोई आसानी नहीं है जब आप सस्पेंशन और एसी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इस गाड़ी के अंदर दो एयर बैग आते हैं फ्रंट पे और उसके अलावा कोई एयर बैग नहीं आता। एबीएस इसके अंदर आती है स्टैंडर्ड और रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है। अंदर से आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। फोर साइड डोर जो हैं वो ऑटो है। एवरेज ये गाड़ी देती है वो मैक्सिमम ये 13 तक जाती है, 13 से ऊपर ये नहीं जाती, मतलब 12.5 टू 13 किलोमीटर पर लीटर की इसकी एवरेज है। सस्पेंशन वाइज, ड्राइव वाइज और रीसेल की वैल्यू के लिहाज से टोयोटा जो है वो पाकिस्तान में बड़ा पसंद किया जाता है। 15 इंच के इस गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील्स आते हैं स्टैंडर्ड, और जो कि 11 जनरेशन फेस लिफ्ट में उन्होंने चेंज कर दिए थे। 2017 में जो दो वेरिएंट आए थे उनमें जो मेन डिफरेंसेस थे, अगर आप इंटीरियर वाइज बात करें तो उसका मीटर थोड़ा सा फर्क था, उसमें स्पीडोमीटर और जो आपका आरपीएम मीटर होता है उसके जो डायल्स थे वो सेम साइज के थे। प्लस अगर आप साइड वेंट्स की बात करें तो साइड वेंट्स जो 17 अपलिफ्ट मॉडल में आता है वो गोल आता है, और इस वाली में ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप का है। कीज की जो है वो इमोबिलाइजर वाली आती है जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और इसके अलावा इसकी ट्रंक स्पेस भी अच्छी है। इसका जो फ्लोर बेड है पीछे वाला वो स्ट्रेट है तो 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई मतलब ड्राइवर कोई थोड़ा सा हेल्दी हो या ऐसा भारी भरकम सा हो तो, और वो अपनी सीट अगर पीछे करे तो ये गाड़ी जो है वो पीछे वाले बैठे पैसेंजर को थोड़ा सा तंग करती है, उसकी लेग स्पेस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल रहते हैं, इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हर जगह हर टाइम आपको मिल जाता है। इसके मैकेनिक्स बड़े आसानी से मिल जाते हैं और इसी वजह से टोयोटा जो है वो पाकिस्तान में कामयाब भी है। अगर कोई गाड़ी है पाकिस्तान में सबसे आला तो वो मेहरान है। इसके अलावा कोई गाड़ी पाकिस्तान में शायद उनको लगता है ही नहीं है। ये गाड़ी 1980s में लॉन्च हुई थी सुजुकी ऑल्टो के नाम से, और फिर इसका नाम सुजुकी मेहरान लेटर ऑन रख दिया गया। और इतनी कंसिस्टेंट गाड़ी है कि पिछले 40 सालों से ये गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट एक ही शक्ल में आ रही है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आई। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये गाड़ी बड़ी ड्यूरेबल है, इसको आप ये भी कह सकते हैं गाड़ी बड़ी इकोनॉमिकल है, कुछ भी कह लें, हीट है जो भी है, लेकिन ये गाड़ी पिछले 40-50 साल से एक जैसी ही है। इसमें कोई फर्क नहीं आया सिवाय इसकी फ्रंट लाइट्स के, जो कि पहले शीशे की आती थी अब क्रिस्टल कर दी गई है, और वो भी जो है ना पता नहीं क्यों कर दी गई, मुझे आज तक समझ भी नहीं आई कि उसकी साइंस क्या है। दावे से कह सकता हूँ कि सुजुकी मेहरान वहां वहां जाती है जहां आपकी फोर व्हील ड्राइव गाड़ी जाती है। आप इसके अंदर 4 बंदे बैठाएं, 5 बंदे बैठाएं, 6 बैठाएं, 8 बैठाएं, 10 बैठाएं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 800 cc, टू बी एग्जैक्ट 796 cc आती है, और 4 फॉरवर्ड मैनुअल गियर के साथ आती है। इसमें 2 वेरियंट आए थे, VX और VXR। VX नॉन AC वेरियंट था, और VXR में मेटेलिक मतलब सेम कलर के बम्पर आए थे प्लास्टिक के, और उसके अंदर AC होता था। 2012 में जो मेहरान का वेरियंट आया था उसके अंदर सिर्फ कार्बोरेटर इंजन को खत्म करके EFI इंजन को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिससे इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी बेहतर हुई थी। मेहरान की जो फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन 13-14 इन सिटी है, और लॉन्ग पे ये आपको 16-17 तक देती है। इसके अलावा इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है, इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू सबसे ज्यादा है। इतनी सस्ती मेहरान की मेंटेनेंस है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेहरान के दोनों साइड मिरर जो है ना वो आपको 400 रुपए में मिल जाएंगे, दोनों के दोनों साइड मिरर 400 रुपए में मिल जाएंगे। मेहरान जो है वो 2019 में डिसकंटिन्यू की गई थी, और उसके बाद जो है वो सुजुकी ऑल्टो को इंट्रोड्यूस कराया गया था। तब तक 2019 तक इस गाड़ी के अंदर ABS भी नहीं था, इस गाड़ी के अंदर एयर बैग भी नहीं थे, और ना ही इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग था। डिफॉगर, फॉग लैंप्स, अलॉय व्हील, ये तो छोटी मोटी बातें तो आप भूल जाएं। मेहरान के अंदर जो इंजन ऑयल डलता है वो 2.7 लीटर डलता है, और जो गियर ऑयल डलता है वो डलता है 1.7 लीटर। इससे ज्यादा अगर आप डालेंगे तो इस गाड़ी का कॉमन प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी की जो रिंगे हैं, जो रिंग्स हैं गाड़ी के, वो फारिग हो जाते हैं, और उस वजह से गाड़ी धुआं मारने लग पड़ती है, यानी कि आपको इंजन ऑयल भी कंज्यूम करेगी और पेट्रोल तो कंज्यूम करती करती है। इसने जो है वो लोगों के डोले बहुत अच्छे बनवाए हैं, लोगों के फोर आर्म्स, लोगों के बाइसेप्स बनाने में ना इस गाड़ी से अच्छा कोई गाड़ी नहीं है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने ये बताया था कि अगर आप मेहरान लेते हैं तो आपको बाजू की एक्सरसाइज करने की या टांगों की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आज भी चप्पू शीशे आते हैं जिनको यूं करके ऊपर करना पड़ता है, तो आपकी फोर आर्म और बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अंदर आज भी मैनुअल स्टीयरिंग व्हील आता है जिसको आप एक दफा घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं किसी ट्रक में बैठा हूँ। में जो मीटर डिजाइन किया गया था वो आज तक वही चल रहा है, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं दी गई ताकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस इंसान का
बेहतर से बेहतरीन की तरफ हो और उसकी जो है ना वो टेंशन डाइवर्ट ना हो। बुरी बातों की बात की जाए तो सारी की सारी गाड़ी बुरी है, लेकिन चंद मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर जो है वो इंतहाई पुराना डिजाइन है, जो कि पिछले मतलब मेरी पैदाइश से पहले के सालों से गाड़ी आ रही है और अभी तक इस गाड़ी के अंदर एक रुपए की चेंज नहीं की गई। बड़ा बेसिक सा इंटीरियर है, दरमियान में वेंट दिए गए जो पहले साइडों पे आते थे, उन्होंने कहा यार बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, लोगों को ज्यादा हवा जाती है तो इनको एक दरमियान में करो ताकि ज्यादा लोगों को हवा ना हो। मरने के बाद अगर आपको मॉर्चरी में जो है वो कोल्ड रूम नहीं मिल रहा तो आप मेहरान के अंदर बंदा सुला दें, वो आपको खुद ही उठ के कहेगा यार मुझे दबा दो, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। और सेफ्टी फीचर्स मैंने आपको बताए इसके अंदर इतने ज्यादा हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट होने लगे तो आप कलमा पढ़ लें, सिर्फ आपको कलमा ही बचा सकता है, उसके अलावा वो कोई भी नहीं बचाएगा। उसका जो इंजन है वो अगर आपको 120 से ऊपर लेके जाएं तो इसका इंजन थर थर कांपता है, क्योंकि वो समझता है कि इंसान की जिंदगी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका एक नॉन फीचर का है, लेकिन 120 से ऊपर आप जाएंगे तो वो कांपेगी और उसके साथ साथ आपकी टांगें भी कांपेंगी। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं ना, वो गाड़ी जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को रास नहीं आई। सुजुकी लियाना 2004 में आई थी और सुजुकी लियाना जो है वो रिप्लेस इसने किया था सुजुकी बलिनो को, और 2004 से लेके 2014 तक ये गाड़ी पाकिस्तान में आई है। और इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये उस लिहाज उस ज़माने की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड गाड़ी थी, और ये अच्छी बात होने के साथ साथ इस गाड़ी की फ्लॉप होने की भी यही वजह बनी। गाड़ी में बेसिकली तीन वेरियंट्स आए थे, LXI, RXI और Eminent। LXI और RXI 1300cc थे, जबकि Eminent जो था वो 1500+ cc था। M13 इंजन इक्विप्ड है सुजुकी लियाना में 1300cc में, जो कि 92 हॉर्स पावर और 118 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जो तीन वेरिएंट्स थे उसमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। RXI जो है वो बेस वेरिएंट है, वो नॉन ABS वेरिएंट है। LXI में ABS और अलॉय रिम्स आए थे, जबकि Eminent में ABS, अलॉय रिम्स। और लियाना के इन तीनों वेरिएंट्स में ABS के अलावा एयर बैग्स नहीं है, लेकिन उस जमाने के लिहाज से ये गाड़ी जो है वो जितनी पाकिस्तान में गाड़ियाँ अवेलेबल थी उसमें सबसे ज़्यादा चीप और सबसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड, मैं कहता हूँ कि टेक्निकली एडवांस गाड़ी थी। गाड़ी की अगर इंटीरियर की बात करें तो इसका इंटीरियर बड़ा बल्कि सी लुक देता है, काफ़ी खड़ा खड़ा सा इसका डैशबोर्ड है, और एसी वेंट इसके मुझे बड़े पसंद हैं क्योंकि साइड के जो एसी वेंट्स हैं वो काफ़ी बल्की से हैं, इस लिहाज से इनकी एयर थ्रो भी जो है वो काफ़ी बेहतर है। गाड़ी के अंदर 8 स्पीड एयर ब्लोअर की फंक्शनैलिटी मौजूद है। गाड़ी के दोनों साइड्स के सन शेड्स के अंदर वैनिटी मिरर भी मौजूद हैं। स्पीडोमीटर की बात करें तो लियाना के अंदर जो स्पीडोमीटर है वो मुझे तो बड़ा पसंद है, और उस ज़माने में स्पीडोमीटर बड़ा पसंद किया जाता भी था, क्योंकि इसमें 2004 में जब RPM मीटर और स्पीडोमीटर अलग अलग आए सेम डायल डायमीटर के साथ, तो वो बड़े पसंद किए गए थे। ये वाहिद गाड़ी थी जिसके डैशबोर्ड के अंदर आपको आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता था। स्टीयरिंग इस गाड़ी का जो है वो एडजस्टेबल है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है। गाड़ी की अगर ड्राइव की बात की जाए तो ओवरऑल इस गाड़ी की ड्राइव बड़ी स्मूथ और बड़ी अच्छी है, और सेडान होने की वजह से इस गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो भी मैं कहूँगा कि नॉर्मल सेडान से ज़्यादा है। पीछे बड़े आराम से तीन बंदे बैठ सकते हैं, और आगे की भी जो सीट्स हैं वो काफ़ी स्पेशियस हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर ABS के साथ जो है वो इमोबिलाइजर की चाइल्ड लॉक्स भी आते हैं, फॉग लैंप्स भी आती हैं, और रियर फॉग लैंप्स भी आते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट्स में और Eminent में। अदरवाइज इस गाड़ी के अंदर एयर बैग्स नहीं है। फ्यूल इकोनॉमी इस गाड़ी की बड़ी बेहतर है, ये आपको इन सिटी जो है वो तकरीबन 13-13.5 दे दी, और लॉन्ग पे ये गाड़ी जो है वो 17-18 तक चली जाती है। सुजुकी की फ्लॉप होने की मेरे ख्याल से दो वजूहात हैं, एक एक्सपेंसिव स्पेयर पार्ट्स और उनकी नॉन अवेलेबिलिटी, और सेकेंडली जो जिस ज़माने में ये इतनी वेल इक्विप्ड गाड़ी आई थी उस ज़माने में हमारे कल मैकेनिक्स बोलते हैं वो इतने इक्विप्ड नहीं थे, और उनको इस गाड़ी की समझ में नहीं आई तो उन्होंने उस गाड़ी को फ्लॉप करार दे दिया, और रीसेल वैल्यू जो है वो इस गाड़ी की गिर गई। लियाना की जो रीसेल वैल्यू है वो बड़ी कम है। सेडान कार्स में सबसे लो प्राइस में आपको ये गाड़ी मिलती है। अगर मैं अभी आजकल की बात करूँ तो इतनी महंगाई होने के बावजूद भी सुजुकी लियाना आपको 10-12 लाख के बजट के अंदर बेहतरीन अच्छी साफ सुथरी गाड़ी सिंगल हैंड यूज हुई हुई मे बी गाड़ी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाए।
आज हम इस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं आपके लिए। वो पाकिस्तान की एक बहुत ओवर प्राइस छोटी गाड़ी है, और यस हम बात कर रहे हैं सुजुकी कल्टस, या जिसको सुजुकी सिलेरियो के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में। पाक सुजुकी मोटर्स ने ये गाड़ी 2017 में, जब सुनियासारी में ये गाड़ी फेल हो गई थी, तो यहाँ पे लॉन्च कर दी। एक और येट अनदर लॉलीपॉप जो हमें दिया गया एक बड़ा खूबसूरत करके। और 2017 में ये गाड़ी लॉन्च हुई, इसके तीन वेरिएंट्स लॉन्च हुए लेटर 17 के एंड में, VXR, VXL और VXL AGS, जिनके अंदर तो आप सब लोग जानते होंगे छोटे छोटे माइन्यूट जो होते हैं वो डिफरेंसेस होते हैं, अलॉय रिम्स, फॉग लैंप्स, टेनमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ों के डिफरेंसेस होते हैं छोटे छोटे, और VXL, VXR और VXL AGS। आज इस गाड़ी को हम ड्राइव कर रहे हैं, दैट्स फुल ऑप्शन वेरियंट। फुल ऑप्शन से मुराद ये है कि गाड़ी में इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं कि आप सोच नहीं पाएंगे कि ये मैंने गाड़ी खरीद ली है और अब मैं जो हूँ ना वो शायद टेस्ला को मात दे दूँ। ये गाड़ी जो है वो एडवांस ऑटोमेटिक सिस्टम्स के साथ आई है, और इसको कहते हैं AGS। गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो सुजुकी मोटर्स ने 2017 में ये गाड़ी जब लॉन्च की थी, तो फर्स्ट टाइम इस गाड़ी किसी भी सुजुकी की गाड़ी के अंदर एयर बैग्स आए थे, और ड्राइविंग साइड और पैसेंजर साइड पे एयर बैग्स दिए गए, और चारों पैसेंजर्स के लिए 1000 CC कैटेगरी में सीट बेल्ट इंट्रोड्यूस कराई गई। कैरी ऑन का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, स्पीडोमीटर इसका बेहतर है क्योंकि ये आपको एवरेज भी बताता है, आपकी क्यूमुलेटिव एवरेज भी बनाता है, करंट गाड़ी जितनी स्पीड पे आप चला रहे हैं उस पर क्या एवरेज आपकी आएगी वो भी बताता है, और ट्रिप्स और ऑडो तो इसके अंदर है ही है। VXL और VXL AGS के अंदर पावर विंडोज और पावर स्टेयरिंग आता है। ये जो इसके साइड मिरर्स हैं वो भी पावर एडजस्टेबल हैं, लेकिन ये रिट्रैक्टेबल नहीं होते। कल्टस के AGS वेरिएंट में 14 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं और फॉग लैंप्स आते हैं, जबकि VXR में ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो ये गाड़ी की परफॉर्मेंस इस लिहाज से बेहतर है कि ये गाड़ी आपको इन सिटी तकरीबन 14 to 15 और 16 भी जाती है, और लॉन्ग पे आपको बड़ी अच्छी एवरेज देती है विच इज़ 19 and 20 km/L। कल्टस के अंदर वही K10 इंजन आता है जो सुजुकी वैगनार के अंदर आया था। कल्टस में 35 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, और इसकी अगर आप इंजन ऑयल की कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर इंजन ऑयल जो डलता है वो तकरीबन डलता है 3 लीटर्स। आप अगर हम ये बात करें कि गाड़ी जो है वो मार्केट में आए हुए 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो इस गाड़ी के अंदर क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, तो सबसे जो नॉन फॉल्ट कल्टस के अंदर आ रहा है वो आजकल वो इसका AGS का प्रॉब्लम है। इसका जो AGS का एक्चुएटर है वो कुछ अरसे बाद काम करना छोड़ देता है। वो तो चलाने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि इस गाड़ी का अगर आपकी ये प्रॉपर इसके साथ अच्छे टायर्स लगे हों और व्हील बैलेंसिंग प्लस अलाइनमेंट हुई भी हो, तो ये गाड़ी फुल लोड के साथ तकरीबन 160 तक बड़े आराम से चली जाती है, 160-170 पे जाती है। सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैं आपको इस AGS को चलाने का एक टिप देता हूँ कि अगर आप इस गाड़ी को हिली एरिया में लेके जा रहे हैं तो आप इस गाड़ी को जो है वो मैनुअल पे ड्राइव करें। इसको अगर आप डी पे ड्राइव करेंगे तो हो सकता है कि ये गाड़ी जो है वो किसी ऐसी जगह पे जाके स्टक हो जाए जहाँ पे आपको समझ ही ना आए कि इस गाड़ी को आगे करना है पीछे करना है। उसमें मसला ये है कि ये गाड़ी जो है वो पहले से दूसरे या दूसरे से पहले गियर में शिफ्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेती है, टाइम लैग लेती है। उस टाइम लैग में अक्सर औकात आपकी गाड़ी की पोजिशन ऐसे होती है या एंगल ऐसा होता है कि जिसमें उस लैग के वजह से गाड़ी पीछे चल जाती है या थोड़ा सा पीछे आती है, और जब वो गाड़ी गियर शिफ्ट करेगी तो आपको समझ में नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गाड़ी को मैंने आप ये मेरी गाड़ी हाथ से निकल ना जाए कहीं, लाइक आपको लगेगा गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है। तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप इस गाड़ी को मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर चलाएं। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ ना वो किंग ऑफ द किंग मानी जाती है, और उस गाड़ी का नाम है होंडा सिविक रिवर्थ। होंडा सिविक ने ये गाड़ी 2012 में लॉन्च की थी, इट्स द 9th जनरेशन ऑफ होंडा। होंडा सिविक रिबर्थ जो है वो 2012 से लेकर 2016 तक आई है, और इसमें बेसिकली 4 वेरिएंट्स आए थे, 1.8 मैनुअल, 1.8 मैनुअल ओरियल, 1.8 CVT ऑटोमेटिक विदाउट सनरूफ, और 1.8 CVT विद सनरूफ जिसको हम ओरियल प्रोस्मेटिक भी कहते हैं। तमाम की तमाम गाड़ियां जो हैं वो 1800 CC थी। हम जिस वेरिएंट के अंदर बैठे हैं इट्स थर्ड वेरिएंट, जिसको हम थर्ड वेरिएंट इसलिए से कहेंगे कि ये ओरियल नहीं है, ये सिर्फ प्रोस्मेटिक है, लेकिन ये 1800 CC गाड़ी है विद IV टाइप। इंजन टाइप की अगर बात करें तो इट्स Z18 इंजन, इनलाइन 4 सिलेंडर VTEC इंजन है ये,
और इसमें जो लेटर ऑन 2015-16 में जो दो वेरिएंट्स आए थे वो माइनर फेसलिफ्ट के साथ आए थे, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस थी और उसमें जो वी टैग था उसको उन्होंने आई वी टैग में चेंज कर दिया था। अक्सर का लोगों का ये सवाल होता है कि वी टैग जो है वो हाई परफॉर्मेंस है या वी टैग टर्बो है या नहीं। वी टैग टर्बो नहीं होता, वी टैग जो है वो हाई परफॉर्मेंस इसलिए देता है कि जब गाड़ी आपकी 4 से ऊपर आरपीएम पे जाती है तो इंजन ये देख रहा होता है या इलेक्ट्रॉनिक ईएफयू ईसीयू ये देख रहा होता है कि गाड़ी को जो है वो हाई रेव कराना है उसको ज़्यादा भगाना है, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट शिफ्टिंग है वो आपके वेल्व्स को थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ओपन रखती है ताकि गाड़ी की जो ब्रीदिंग है वो बढ़ जाए और कम फ्यूल के साथ ज़्यादा ब्रीदिंग के साथ ज़्यादा गाड़ी एफिशिएंट रहे। इस गाड़ी का इंटीरियर बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा बल्की सी लुक देता है, बड़ी अच्छी इसकी सिटिंग है। गाड़ी के अंदर आपको बैठ के बड़ी लग्जीरियस फीलिंग आती है, आपको पता लगता है कि यार मैं बहुत अच्छी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। एक क्लास है इस गाड़ी की जो कि उस जमाने में इस गाड़ी में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की गई थी। गाड़ी के अंदर मल्टी फंक्शनल मीटर है, स्पीडोमीटर इसका दो जो है वो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा रेंज मीटर, सेंटर में आपको मिलेगा डिजिटल स्पीडोमीटर और राइट साइड पे आपको मिलेगा फ्यूल गेज। अगर आप सेंटर मीटर की बात करें तो जो मीटर के साथ जो है वो उसमें एक बड़ा सा डायल दिया गया जो बड़ा खूबसूरत लगता है, उसके अंदर आपको मिलेगा आरपीएम मीटर जो कि सिर्फ जो है वो एनालॉग है, और एनालॉग मीटर में आपको नजर आएगा कि ये गाड़ी कितना रेव कर रही है और कितनी स्पीड में जा रही है। गाड़ी के जो पिछली सीट का फ्लोर है वो फ्लैट बेड कहते हैं इसको। फ्लैट बेड का मतलब ये होता है कि आपकी जो पिछली सीट का फ्लोर है वो बिल्कुल सीधा है, जो कि आपको एक अच्छी सिटिंग स्पेस देता है, यानी कि 3 बंदे पिछली सीट पे आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल होकर बैठना चाहेंगे तो वो आपको लॉन्ग जर्नी में थोड़ा सा शायद कॉम्प्रोमाइजिंग लगे। रिवर्स में पावर विंडोज एडजस्टमेंट आती है, साइड मिरर्स के पावर होते हैं, इनको आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन ये रिट्रैक्टेबल नहीं होते। लाइक के यूजी में जो आपको साइड डोर्स की जो पोशिश है जो कपड़ा है वो फैब्रिक के बजाय लेदर में मिलेगा, और इसी तरह जो आपकी गाड़ी की सीट्स हैं उनका भी जो आपको फैब्रिक है या जो कवरिंग है वो लेदर इंटीरियर में मिलेगी। गाड़ी की अगर स्टेयरिंग की बात की जाए तो ये गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो टू वे है। टू वे से मुराद ये है कि इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी है और ये गाड़ी का स्टेयरिंग जो है वो टेलीस्कोपिक भी है। होंडा ने 2012 में जब ये गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई थी तो उसके अंदर एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी जिसको जैक नाइफ की बोलते हैं। ये बेसिकली की अब इस गाड़ी के इस कवर के अंदर जो है वो एम्बेडेड है, जब आप इसको बटन दबाएंगे तो ये यूं करके बाहर आ जाती है, विच वॉज अ यूनिक आइडिया बैक देन। और अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो इस गाड़ी के साथ इमोबिलाइजर भी आता था, और इसके साथ अगर आप इस बटन की बात करें तो ये ऑटोमेटिक ट्रंक ओपनर है और इस बटन से डायरेक्ट आप गाड़ी के डिगी को खोल सकते हैं। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर 50 लीटर का फ्यूल डलता है, और इंजन ऑयल की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर 4 लीटर इंजन ऑयल डलेगा और 3 to 3.5 लीटर जो है वो गियर ऑयल डलेगा। ड्राइव कम्फर्ट है वो तो बेहतर है ही है, इसके अलावा ये गाड़ी की हाइट वाइज थोड़ी सी रिबॉन जो इसका प्रीवियस वेरियंट था उससे थोड़ी ऊँची थी, और इस ये वाहिद एक वेरिएंट है जो गाड़ी का जिसकी जो क्लियरेंस है वो काफ़ी बेहतर है। ये गाड़ी नीचे इतनी लगती नहीं है और इस लिहाज से ये गाड़ी जो है वो काफ़ी कामयाब रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इसका नया वेरिएंट आया था 2016-17 में जब उसको होंडा एक्स ने रिप्लेस किया था तो इस गाड़ी की जो प्राइस मार्केट वैल्यू थी वो एकदम से गिर गई थी। प्राइस की अगर बात करें तो ये गाड़ी आजकल तकरीबन 3 to 4 मिलियन की ब्रैकेट में आपको मिल जाती है। मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो होंडा की मेंटेनेंस जो है वो इतनी सस्ती नहीं है, होंडा को मेंटेन करना थोड़ा सा जेब पे भारी पड़ता है क्योंकि होंडा के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े कॉस्टली हैं, बट दिस मॉडल रीबर्थ इज अ बिट बेटर उन गाड़ियों से, बाकी के जो होंडा के जितने भी मॉडल्स आए हैं उससे इसकी कदरे बेहतर रोड क्लियरेंस है। आज हम बात कर रहे हैं किया स्पोर्टेज की। किया स्पोर्टेज पाकिस्तान में 2020 में लॉन्च हुई थी और क्रॉसओवर कैटेगरी की सबसे पहली गाड़ी है जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया था। इसकी रिकॉर्ड सेल्स हुई थी पाकिस्तान में एज अ क्रॉसओवर इन अ क्रॉसओवर कैटेगरी। आज इस वेरिएंट में हम बैठे हुए हैं, ये किया स्पोर्टेज का ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, 2021 मॉडल है। किया स्पोर्टेज इनलाइन 4 सिलेंडर 2000 सीसी गाड़ी है और 155 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, टॉर्क है वो 190-195 न्यूटन मीटर।
के आसपास है। हेड की अगर बात की जाए तो ये गाड़ी 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, जिसको आप मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर कंफर्ट की बात की जाए तो ये गाड़ी काफी कंफर्टेबल है, 5-seater गाड़ी है ये। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो SUVs की तरह की है, और विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। और इस गाड़ी को अगर आप लॉन्ग रूट पे भी लेके जाएं तो ये आपको बिल्कुल तंग नहीं करती। गाड़ी के अंदर ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स हैं, इसके अलावा इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है जो कि अडेप्टिव नहीं है, स्टेयरिंग कंट्रोल्स हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो इस गाड़ी के अंदर इस कैटेगरी में पैनोरामिक सनरूफ का है। इसका जो सारा का सारा रूफ है वो शीशे का है, जो ट्रंक है वो पावर है, यानी कि पावर टेल गेट के साथ जाती है, उसको आप अंदर से भी खोल सकते हैं और चाबी से भी खोल सकते हैं। किया स्पोर्टेज के अंदर ऑटोमेटिक रेन सेंसर भी आता है। इसका जो विंडशील्ड वाइपर्स हैं उसके अंदर अगर फ्लूड कम हो जाए यानी कि पानी कम हो जाए तो उसकी ऑप्शन भी आती है। सर्विस हिस्ट्री भी आती है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है तो वो आपको ये हर स्टार्टअप के ऊपर ये बताएगी कि ये गाड़ी की इतनी सर्विस रह गई है। इसमें 3 मोड्स आते हैं, इसमें एक इको मोड है, एक स्पोर्ट्स मोड है और एक नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड में गाड़ी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होती है, इको मोड में गाड़ी ज़्यादा आपको खींचेगी नहीं, जल्दी जल्दी गियर चेंज करेगी। और स्पोर्ट्स मोड में ऑफ कोर्स हाई RPMs के ऊपर गाड़ी गियर चेंज करती है। डिफरेंशियल लॉक के ऑप्शन मौजूद है, ये आप ड्यूरिंग द ड्राइव इसको डिफरेंशियल लॉक कर सकते हैं। डाउन हिल असिस्ट और डाउन हिल यानी कि जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप क्रूज कंट्रोल करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करके अपनी स्पीड को मेंटेन रखेगी। ये पार्किंग असिस्ट है, इस बटन को अगर आप ऑन करते हैं तो वहाँ पर आपको गाड़ी जो है वो इंडिकेशन करके बताएगी कि आपकी गाड़ी जो के और अगली गाड़ी के अंदर कितना फासला रह गया। और इसकी जो हैंड ब्रेक है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है। गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो डुअल एडजस्टेबल है, यानी कि हाइट एडजस्टमेंट भी है, और ये गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये टेलीस्कोपिक भी है। तमाम के तमाम गेट्स जो हैं वो पावर्ड हैं, यानी कि अगर आपका कोई गेट या आपकी जो डिगी है वो खुली जा जाती है तो गाड़ी आपको अंदर कॉशन देगी। अंदर फ्रंट रो की जो सीट्स हैं दोनों, यानी कि ड्राइविंग साइड और पैसेंजर साइड की जो सीट्स हैं वो पावर एडजस्टेबल हैं और मैनुअल नहीं है। पिछली सीट जो हैं वो रिक्लाइनिंग है, उनको आप जो है वो 60-40 स्प्लिट के साथ जो है वो लिटा भी सकते हैं पूरा का पूरा, और आगे उनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी जड़े, क्या स्टोरी है। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू बनाने जा रहे हैं उसका नाम है सुजुकी कल्टस। सुजुकी इज वेरी बैड विद सेडान्स। तो सुजुकी की हैचबैक जो वेरिएंट की कैटेगरी है उसमें ये गाड़ी जो है इसने पाकिस्तान की मार्केट में ऑलमोस्ट 17 साल तक राज किया है, और ये पाकिस्तान की ऐसी गाड़ी है जिसको पाकिस्तानियों ने बड़ा लग्जरी कंसिडर करके और हर किस्म की जो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, डेली यूज़ हो या आपका ऑफिशियल यूज़ हो, इसके ऊपर इस गाड़ी को इस्तेमाल किया, और इस गाड़ी ने हमेशा इन लोगों का साथ दिया है। ये सुजुकी कल्टस का फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट है और ये 2000 में लॉन्च हुआ था, और 2000 से लेके 2017 तक इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स आए हैं, जिनके अंदर 2001 से लेके या 2000 से लेके 2007 तक आप कह सकते हैं कि कार्बोरेटर इंजन आया था। 2007 से लेके 2012 तक EFI, और 2012 से 2017 तक उसको हम EFI प्लस यूरो 2 गाड़ी कहते हैं। ये गाड़ी जो है वो G10 सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आई है, और जो इसमें जो 2007 में जो EFI वेरिएंट आया था उसके अंदर एफिशिएंसी के प्रॉब्लम की होने की वजह से उसको इन्होंने 3 सिलेंडर से 4 सिलेंडर में कन्वर्ट किया था, जिसमें इस गाड़ी की थोड़ी सी टॉर्क और पावर वो इंक्रीज हो गई थी। लेकिन इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो 2007 तक जो कार्बोरेटर इंजन थे उसकी परफॉर्मेंस और 2007 के बाद 2017 तक जो EFI इंजन आए हैं प्लस जोरो इंजन जो हैं उनकी परफॉर्मेंस पहले 7 सालों वाले इंजन से काफ़ी बेहतर मानी जाती है और बेहतर थी। अगर एवरेज की बात करें तो कल्टस के जो कार्बोरेटर इंजन हैं वो आपको लॉन्ग पे तकरीबन 13 और लोकल पे आपको तकरीबन 10 से 11 की एवरेज देते हैं, जबकि अगर आप EFI की बात करें तो यही एवरेज बढ़ के लोकल्स पे 11-12 और लॉन्ग पे 14-14.5 किलोमीटर पर लीटर तक जाती है। गाड़ी की अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर 40 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। इसके तमाम के तमाम वेरिएंट 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आए हैं। 2008-09 में एक लिमिटेड एडिशन वेरिएंट आया था जिसको VXLI बोलते थे, सिर्फ वो एक वाहिद 2 साल तक एक वेरिएंट आया
जो कि पावर विंडो और पावर स्टीयरिंग के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया था। उसके अंदर कोई ABS नहीं था, कोई एयरबैग नहीं था, कोई साइड मिरर जो है वो पावर नहीं थे, सिर्फ पावर विंडोज और पावर स्टीयरिंग। और पावर स्टीयरिंग में जो था उसका हाइड्रोलिक था, EPS नहीं था। गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो बड़ा बेसिक सा इसका इंटीरियर है। इसके अंदर दरमियान में एक बहुत एक कैसेट प्लेयर आता था, और जिसको बाद में उन्होंने 2017 के अंदर जो लिमिटेड 16-17 में जो लिमिटेड एडिशन गाड़ी आई थी उसको एक LCD से रिप्लेस किया कर दिया, और उसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस इंट्रोड्यूस कराई थी उन्होंने। स्पीडोमीटर की अगर बात की जाए तो स्पीडोमीटर बड़ा बेसिक सा है। लेफ्ट साइड पर आपको फ्यूल गेज मिलती है, उसके साथ स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है, और राइट साइड पे आपकी टेम्परेचर गेज है। इसके अंदर अगर हम AC परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका AC का जो परफॉर्मेंस है वो नॉन EFI गाड़ियों का इतना अच्छा नहीं है, जबकि EFI और जो लिमिटेड एडिशन यूरो गाड़ियां आई थी उनकी AC परफॉर्मेंस कदरे बेहतर है इससे। ये अगर आप ट्रंक्स केस की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग है, इस वजह से क्योंकि ये इसकी हाफ ट्रंक जो है वो इस एक कवर्ड है। यूरो से जो पहले की गाड़ियाँ थी उसके अंदर CNG सिलेंडर आता था 55 kg का, तो वो तकरीबन जैसा कि आप ये तारे इसकी देख रहे होंगे यहाँ पे इसके पाइप्स वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ना वो पूरी डी को ऑक्यूपाई करता था, तो इसके अंदर स्पेस का थोड़ा सा इशू मुझे लगता है। ये हेडलाइट्स इतनी जानदार नहीं है जैसे कि सुजुकी गाड़ियों की होती हैं नॉर्मली, और विजिबिलिटी का इशू इस गाड़ी के साथ हमेशा से रहा है। अगर आप हाईवेज़ के ऊपर इन हेडलाइट्स के साथ ट्रैवल करें तो आपको समझ ही नहीं आती कि रोड कहाँ है। इसके स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, और सुजुकी हमेशा से स्पेयर पार्ट्स के मामले में जो है वो लकी रही है। गाड़ी की अगर प्राइस की बात की जाए तो ये गाड़ी बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में लॉन्च की गई थी, लेकिन आजकल इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 8 लाख से लेके 15-16 लाख तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द कार। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अपने कमेंट सेक्शन में हम अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर कीजिएगा, और अगर आप इसके अलावा किसी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।